नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, अपने मीठे और शातिर बोल से किसी भी गरीब किसान मजदूर को बेवकूफ़ बनाना, उसे गुमराह करना, ये WCL की के लिए कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही मामला कामटी गोंडेगांव क्षेत्र के आसपास हुआ। एक किसान की जमीन गई, जब उसने डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो उस पर लिखा हुआ था कि इरीगेटेड, यानी कि उस पर उपजाऊ जमीन है। लेकिन जब सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद WCL के अधिकारियों के पास जब वो कागजात पहुंचते हैं तो वो नॉन इरिगेटेड हो जाता है। दो साल फाइल प्रोसेस में करने के बाद अब बोल रही है कि हम आपको ड्यूटी नहीं देंगे, जो कि खेती बोले आपकी कोरट है। इन्होंने उस टाइम पे खेती को कोरट में एग्रीमेंट किए थे, जबकि हमारी उलित खेती है, पीछे हमारी खेती है ये, और वहाँ पे हमारा कुआं है। खेती इरिगेटेड होने के बाद भी नॉन इरिगेटेड में पैसा दिए थे इन्होंने। हमने इंटीमेट भी किए थे बाय लेटर कि हमारी खेती इरिगेटेड है, आप नॉन लेटर की रिसीव भी है। लेटर की रिसीव होने के बाद भी इन्होंने हमने डाले कि हमारा पैसा गलत बना है, लेकिन तब भी इन्होंने क्या बोला कि आप बोले पैसे के चलते, पैसे के पीछे मत पड़ो, लाख दो लाख रुपए के चक्कर में मत पड़ो, आप केस लड़ोगे, चाहे जो भी होगा, साल दो साल बर्बाद भी होगा, दो चार लाख बर्बाद भी होंगे, लाख डेढ़ लाख के चक्कर में ना पड़ते हो, आप एम्प्लॉयमेंट लीजिए। और एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने जब फाइल डाले, एग्रीमेंट कर लिए इनके साथ नॉन इरिगेटेड का, अब ये दो साल बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आपकी खेती नॉन इरिगेटेड है, आपने मान लिए हो, और मानते हुए नॉन इरिगेटेड में ड्यूटी नहीं मिलती है। एक बात समझ से परे है कि जो जमीन इरिगेटेड है, 7-12 ये भी संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं लिखे हैं उस पर इरिगेटेड है, तो जबकि वहाँ कुआं भी है, तो WCL के आला अधिकारियों के पास नॉन इरिगेटेड कैसे हो जाता है? यानी कि ये जानबूझ के लोग ऐसे करके लोगों को गुमराह करते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, ताकि इनको एम्प्लॉयमेंट कम देना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इसमें किसी की भावनाओं के साथ में, संवेदना के साथ में, और किसी परिवार के एक जो जिम्मेदार चीज़ होती है, जिसे व्यवसाय कहते हैं, नौकरी कहते हैं, उनके साथ में खेलते हैं। WCL के इस तरह के अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हो करके भी अनपढ़ से भी गंवार लोग होते हैं, जो किसी की भावनाओं के साथ खेल लेते हैं। आज मुखर्जी साहब आए थे, सवेरिया साहब आए थे, और हमारे नागपुर विभाग से जो ख्वाजा सर हैं वो आए थे, और सब आश्वासन दे रहे हैं कि आप हो जाएगा, आप हमको सर्वे करने दीजिए। हम सर्वे करने नहीं दे सकते हैं, जो होगा, इन लोग ने 5 दिन का समय बोला है कि 5 दिन में आपका क्लियर होगा, हमको करने दीजिए, हम नहीं करने दे सकते उनको, सीधी बात। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी देखा जाए तो WCL की इतनी गड़बड़ियां हैं कि अगर इस पे CVC दिल्ली की तरफ से अगर एक टीम का गठन कर दिया जाए तो ना जाने कितने अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे, कितने अधिकारियों के हाथ पांव फूल जाएंगे। एक तरफ माइंस जहां ब्लास्टिंग होती है, ठीक उसके 100 मीटर के आसपास कुछ किसान के खेत हैं जो WCL के अंदर में नहीं आते, WCL ने उसे एक्वायर नहीं किया है। ऐसे खेत हैं, लोग वहाँ रहना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। एक घर बनाया जो ब्लास्ट की वजह से तड़क रहे हैं। अब होता यूँ है कि यहाँ पे डेली ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट की इनकी तीव्रता जो मापदंड है उससे अधिक होती है, और जिसकी वजह से कोई ना कोई घर गिर जाता है, कोई ना कोई हादसे हो जाते हैं, कोई कोई बच्चा मर जाता है, कभी कोई व्यक्ति मर जाता है। WCL का जब जवाब आता है तो कहता है कि यार ये घर तो 11 बजे गिरा, हमने तो ब्लास्टिंग 2 बजे किया था। लेकिन उन्हीं अनपढ़ गंवार के जो इस तरीके के जो स्टेटमेंट देते हैं WCL या फिर कोई भी लोग हो, उनको ये समझ में क्यों नहीं आता है कि जब ब्लास्टिंग प्रतिदिन हो रही है तो धीरे 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 किसी भी घर हो या फिर जो भी चीज़ें हैं आसपास में, उस पर दरार पड़ना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे एक दिन वो ठह जाती है। लेकिन WCL के लोग कहते हैं हमारी ब्लास्टिंग तो 2 घंटे के बाद हुई, लेकिन जो सालों से ब्लास्टिंग हो रही है और आपके सालों की ब्लास्टिंग से किसी को तकलीफ हो रही है, उसका जवाब क्या है? इतना ही नहीं, सूत्र तो ये भी बताते हैं कि कुछ ऐसे किसान हैं जिनका ऊपर सेक्शन, जिनके ज़मीन के ऊपर सेक्शन 7 लगा दिया, काम हो गया, और अपने काम निकालने के बाद में सेक्शन भी हटा दिया। लोगों को लगा कि काम हो रहा है, यानी कि हमारी ज़मीन जाने वाली। इससे एक चीज़ तो सीख मिलती है, जब तक आपको पैसा ना मिल जाए, जब तक आपको नौकरी ना मिल जाए, तब तक आप अपने ज़मीन को किसी भी हालत में WCL को देने से पहले 100 बार सोचें। दूसरी बात कि जो इन्होंने मिट्टी डंप किया है वो एकदम खेतों को लगकर है, और इस पे बड़े बड़े दरार भी है, जो कभी भी ये मिट्टी भूस्खलन हो सकते हैं, गिर सकते हैं और उनके खेतों में जा सकते हैं। हो सकता है कोई मजदूर काम कर रहा हो मर भी सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वेकोली के यहाँ के लोग, अधिकारी सब, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ऐसा लगता है कि बैठ के कुर्सी तोड़ रहे, अपना समय निकाल रहे हैं बस। खैर, मामले अधिक और भी अधिक हैं, आप हमारे साथ बने रहें। अगले एपिसोड में अन्य मामलों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। जय हिंद।